हमें बेटा मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज का मतलब क्या है, यदि उसके सामने आप मिरर रख दो तो किस तरीके से आपको वो दिखाई देगा, हमें इस पर ध्यान देना है। चलो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब कोऑर्डिनेट एक्स एक कोई पॉइंट है बेटा आपका एक्स कॉमा वाई, ये बात समझना। एक्स कॉमा वाई पॉइंट, यदि एक्स कॉमा वाई है मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा लाई करेगा, बोलो। यस सर। अच्छा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और आपसे इसकी मिरर इमेज पूछ ली जाए तो हम क्या करें, आपसे बोला जाए फाइंड द मिरर इमेज अबाउट द वाई एक्सिस। हमें क्या बताना है यहाँ पर, मिरर इमेज अबाउट दी वाई एक्सिस। तो हम क्या करें, वाई एक्सिस की जगह पर एक मिरर रख दें। यदि बेटा वाई एक्सिस की जगह आप एक मिरर रख देते हैं तो बताओ ये अभी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि वाई एक्सिस के अबाउट मिरर रख देते हैं तो अब आपको ये कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर रख देते हैं तो इसकी इमेज किधर बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या उसकी मिरर इमेज जो होगी वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, क्लियर। यस सर। अच्छा, यदि इसी बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है और आपसे बोला जाए कि इसकी मिरर इमेज बताओ अबाउट दी एक्स एक्सिस, तो अबाउट दी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट दी मिरर इमेज निकालते हैं तो क्या बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगी। यस सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स तो आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, क्लियर। अच्छा, कोई पॉइंट यदि आपका कहीं पर भी है, मैं आपसे बोलूं कि ये है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में यदि पॉइंट लाई करेगा तो बेटा ये माइनस एक्स कॉमा वाई होगी, इसकी मिरर इमेज आपको बतानी है अबाउट दी एक्स एक्सिस, तो क्या ये थर्ड में दिखाई देगा, और थर्ड में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, माइनस। अच्छा, कोई पॉइंट सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यदि कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मैं आपसे बोलूं कि इसकी मिरर इमेज बताओ अबाउट दी ओरिजिन, तो आप ओरिजिन पे मिरर रख दीजिए, यदि ओरिजिन पे मिरर रख देंगे तो क्या आपको ये यहां दिखाई देगा, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसके कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएंगे। यस सर। अब मैं इसको समराइज कर दे रहा हूँ, सभी को समझ में आ गया है ना। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मैं इसको आपको लिखवा दे रहा हूँ एक ही जगह पर, याद करने जैसा कुछ नहीं है, मैं लिखवा जरूर रहा हूँ लेकिन याद नहीं करना है, मैं टेबल बनवा दे रहा हूँ, समझा मैंने आपको दिया है बेटा कि मिरर इमेज निकाली कैसे जाती है, ये नहीं कि आप याद करने बैठ जाओ, मैं आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ। ये बेटा x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट,
अब आपको खुद अपने मन से बताना है। अच्छा, यदि कोई पॉइंट बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यदि बेटा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट बेटा बताओ इसका कहाँ होगी मिरर इमेज। एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कहाँ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस माइनस और वाई नेगेटिव। वाई एक्सिस के अबाउट बताओ किधर हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स क्या होगा? नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव। अच्छा, यदि कोई बेटा पहले से ही आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, यदि बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये कहां पर हो जाएगा? एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज सेकंड से कहां दिखाई देगा? थर्ड। थर्ड में दोनों क्या होते हैं? माइनस। वाई एक्सिस के अबाउट बेटा ये कहां आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट वाला मिरर इमेज? सेकंड का वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज कहां होगा बेटा? फर्स्ट में बेटा दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? पॉजिटिव। यदि आपका कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट यदि लेंगे तो कहां लाई करेगा मिरर इमेज? सेकंड में बेटा एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं मिरर इमेज तो कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। फोर्थ में बेटा एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। अब यदि कोई बेटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये कहां दिखाई देगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। वाई एक्सिस के अबाउट ये किधर होगा? थर्ड। थर्ड में बेटा दोनों नेगेटिव होते हैं। जो मैंने आपको एक टेबल बनाई, क्या याद करने की जरूरत है इसको? नो सर। फटाफट इसको नोट कर लो, बना लो टेबल। नो सर। क्या नो सर नहीं बनाओगे? मिरर इमेज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चिल्लाओगे नहीं आप लोग? आप लोग कर लीजिए, फिर मैं एक बार आंसर लिखवा दूंगा, आप लोग मैच कर लेना। 2.3 माइनस 4.5 माइनस 3, माइनस 3 5, माइनस 6 4.0। कीजिए बेटा फटाफट। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, आप लोग उस मैच कर लेना। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 2.3। 2.3 मतलब इसका मैं बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट निकाल दे रहा हूँ। 2.3 का मतलब क्या हो गया बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स एक्सिस के अबाउट यदि लेंगे तो कहाँ दिखाई देगा आपका? फोर्थ में। और फोर्थ के में आपके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बेटा? 2, -3। और वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं तो फर्स्ट का सेकंड में होगा मिरर इमेज, और सेकंड में बेटा क्या हो जाएगा? -2.3। ये आपका फिर सेकंड। -4.5 का मतलब बेटा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज थर्ड में होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और वाई एक्सिस के अबाउट बेटा फर्स्ट में होगा, तो ये 4.5 हो जाएगा। थर्ड इज -3, -3। ये बेटा थर्ड में, थर्ड का एक्स एक्सिस के अबाउट सेकंड में आएगा, सेकंड में बेटा ये हो जाएगा, और वाई एक्सिस के अबाउट फोर्थ में आएगा, तो फोर्थ में बेटा ये हो जाएगा। देन 5, -6। 5, -6 कहां पर लाई कर रहा? फोर्थ में। तो एक्स एक्सिस के अबाउट बेटा फर्स्ट में हो जाएगा और वाई एक्सिस के अबाउट थर्ड में हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे। देन इसके बाद बेटा क्या? 4.0 बेटा देखो, यदि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं तो क्या 4.0 कहीं यहां पर लाई करेगा? यदि इसका बेटा एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे तो वहीं के वहीं रहेगा,
क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा था, 4.0 का 4.0, और वाई एक्सिस के अगर यदि मिरर रख देते हैं तो बेटा ये यहाँ दिखाई देगा नहीं देगा, यहाँ पर बेटा प्लस 4 का क्या हो जाएगा, -4.0। अब मुझे हैंड रेज करो बेटा जितने लोगों के, सभी सही।